बच्चे हों या फिर बड़े, अगर आप इस तरह से चिप्स बनाकर तैयार करेंगे तो सभी को बहुत ही पसंद आने वाले हैं। खास बात यह है कि ये चिप्स आप साल भर तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये ख़राब बिल्कुल नहीं होते हैं और बहुत ही कम तेल एब्जॉर्ब करते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए है मैंने आलू, आलू को अच्छे से पील कर लेंगे। इसके साथ ही अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो में आखिर तक मेरे साथ बने रहें, मैं आपको छोटी छोटी बातें शेयर करते जाऊंगी जिससे आप जब भी चिप्स तैयार करेंगे बहुत ही बढ़िया बनेंगे। यहाँ पर देखिए मैंने क्वांटिटी कम ली है, अगर आप साल भर के लिए बना रहे हैं तो क्वांटिटी आप ज़्यादा लीजिए। यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 किलो आलू लिए हैं, अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं उस तरह से आप ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हमने आलुओं को धुल लिया है। धुलने के बाद हम स्लाइस कर लेंगे आलूओं को, एकदम बारीक स्लाइस करेंगे। यहाँ पर मैंने स्लाइसर लिया है और इससे एकदम बारीक स्लाइस निकलते हैं आलू के। आलू के चिप्स बनाते समय अक्सर आलू के चिप्स काले पड़ जाते हैं, तो मैं आपको ये भी बताने वाली हूँ कि आलू के चिप्स काले क्यों पड़ते हैं और किस तरह से आप आलू के चिप्स को कालेपन से बचा सकते हैं। देखिए मैंने सारे आलू को इस तरह से स्लाइस कर लिया है बारीक बारीक। तो चलिए जितनी भी क्वांटिटी में हमने आलू लिए हैं सबको स्लाइस कर लेते हैं। स्लाइस करने के बाद हम इनको पानी में डुबा कर रखेंगे। आप 10 से 15 मिनट को पानी में डुबा कर रख सकते हैं। बाकी आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अगर आलू के चिप्स तैयार कर रहे हैं तब आप नाइट में भी इनको चिप्स को तैयार करके रख सकते हैं और सुबह उबाल कर इनको सुखाने के लिए डाल सकते हैं। इससे आपका काम बहुत ही जल्दी और आसानी से हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैंने कम क्वांटिटी में लिए हैं इसलिए 10 मिनट पानी में आलू को डुबा कर रखा है। अब हम सारे आलू के चिप्स को उबालेंगे। आलू की मात्रा के हिसाब से हमें एक बर्तन लेना है और उसमें पानी डालकर उबालना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको भरकर पानी डाल दिया है और अब पानी को उबलने का इंतज़ार करेंगे। जब पानी उबल जाएगा तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें थोड़ी सी फिटकरी। फिटकरी डालने से आलू के जो चिप्स हैं एकदम सफ़ेद बनते हैं और जैसे ही पानी में उबाल आ जाता है हम थोड़ा सा इसमें नमक डालेंगे। अगर आप व्रत के लिए इनको बनाकर रखना चाहते हैं तो आप इसमें नमक मत डालिए, आप इनको बिना नमक के भी बना सकते हैं। और जब भी आप इनको तलकर सर्व करें उस टाइम आप नमक मिर्च डालकर सर्व कर सकते हैं। तो देखिए पानी में आ चुका है उबाल, अब मैं आलू के चिप्स इसमें डाल देती हूँ और फ्लेम को हाई ही रखेंगे। हाई फ्लेम पर ही आलू को उबालेंगे। 6 से 7 मिनट में आलू एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट इनको नहीं करना है, हल्का सा नाखून लगा कर देखेंगे कि ये सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं। हल्का सा सॉफ्ट होंगे और हम इनको निकाल लेंगे। और इस तरह से जितने आलू इसमें आ सकते हैं मैंने डाल दिए हैं और बाकी आलू के चिप्स हम दूसरी बार उबाल लेंगे। 6 से 7 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इनको उबालेंगे। कलछी से इनको डिप कर देंगे ताकि जो ऊपर हैं आलू वो भी अच्छे से पानी में नीचे आ जाएं और अच्छे से उबल जाएं। इस तरह से देखिए, और अब मैं यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो चुके हैं और चेक कर लेती हूँ कि आलू सॉफ्ट हो गए हैं कि नहीं। बहुत ज़्यादा इनको सॉफ्ट नहीं करना है, नहीं तो ये जब आप फैलाएंगे कपड़े पर तब टूटते जाएंगे, इसलिए हम इनको हल्का सा ही सॉफ्ट करेंगे। और यहाँ पर चेक कर लेंगे कि ये सॉफ्ट हुए हैं कि नहीं। जैसे ही इसमें नाखून जाने लगे उस टाइम हम इनको निकाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने इसे चेक करने के लिए ठंडा पानी लिया है क्योंकि ये काफ़ी गर्म है और हाथ जल सकता है। और देखिए ये हो चुके हैं बढ़िया, और इसमें नाखून लग रहा है मतलब ये ठीक है। और हम इस टाइम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे, इससे ज़्यादा इसे नहीं उबालेंगे नहीं तो आलू टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मैंने एक छलनी ली है, इस छलनी से हमें सारे आलूओं को इस तरह से पानी से अलग कर देना है। ये काफ़ी गर्म है इस समय, इस पर हम थोड़ा सा ठंडा पानी डालेंगे ताकि आलू का उबलना और पकना बंद हो जाए। यहाँ पर ध्यान रखें कि जब आप बचे हुए आलू के चिप्स को उबालें तो उबालने के लिए दूसरे पानी का इस्तेमाल करें, दूसरा पानी उबलने के लिए रखें और उस उबलते पानी में चिप्स को डालें। ये यूज्ड पानी हम फिर से उबालने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डाल देती हूँ मैं थोड़ा सा इस पर ठंडा पानी ताकि जो चिप्स हैं वो जल्दी से ठंडे हो जाएं। और जैसे ही पानी निकल जाता है हम इसको कपड़े पर फैलाएंगे। आप चाहें तो इनको पंखे की हवा में फैला सकते हैं या फिर आप धूप में फैला सकते हैं। कोशिश करें आलू के चिप्स को धूप में ही सुखाएं। धूप में सुखाने पर ये बहुत ही जल्दी सूख जाते हैं और इनका कलर भी चेंज नहीं होता, एकदम सफ़ेद कलर के आलू के चिप्स बनकर तैयार होते हैं। और जब मैंने पंखे की हवा में सुखाते हैं तब इनका हल्का सा कलर डाउन हो जाता है। तो
तो देखिए सूखने के बाद चिप्स कुछ इस तरह से दिखाई देंगे। अब मैं आपको तलकर दिखाती हूँ कि चिप्स कैसे बने हैं। कढ़ाई में तेल गर्म होने के लिए रखेंगे। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तब हम चिप्स इसमें डालकर तल लेंगे। इस तरह से आप चिप्स बनाकर तैयार करके रख सकते हैं और साल भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको खाने का मन करे आप चिप्स गर्म तेल में तलिए और इन्जॉय करिए। ये चिप्स साल भर तक ख़राब नहीं होते हैं, आराम से आप इनको साल भर तक इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही रेसिपी के लिए मेरे चैनल पर मेरे साथ आगे भी बने रहें। रेसिपी से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।